आज के क्लास में हम लोग यूनिट टू का पार्ट जो है प्रॉपर्टीज और टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा क्या ग्लास बनाने के लिए जो है रॉ मटेरियल के क्वालिटी का बहुत ज़्यादा रोल है। यदि क्वालिटी रॉ मटेरियल का मेंटेन नहीं करेंगे, जो बैच बना रहे हैं उसका बैच का मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगा, तो क्या होगा कि ग्लास के अंदर डिफेक्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और जो ग्लास डिफेक्ट हो जाता है वो हमें एज ए प्रोडक्शन लॉस्ट के रूप में या कॉस्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाता है। यदि जितना ज़्यादा लॉस होगा, जितना ज़्यादा ग्लास डिफेक्टिव निकलेंगे, उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट वो ज़्यादा होते जाता है कंपनी के लिए। तो इसलिए क्या करना होता है कि हमें क्वालिटी को मेंटेन रखना होता है, रॉ मटेरियल के क्वालिटी को मेंटेन रखना होता है, साथ ही साथ जो है बैच का मिक्सिंग प्रॉपर हो इसको भी अपने ध्यान में रखना होता है। तो बैच का मिक्सिंग या रॉ मटेरियल के क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम उस रॉ मटेरियल के प्रॉपर्टीज को मेज़र करते हैं, उसी के द्वारा हम लोग मटेरियल के क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। आप लोगों ने ट्रेनिंग में भी गए होंगे तो देखे होंगे कि ब्रिक्स बनाने के पहले जो रॉ मटेरियल होता है हर एक स्टेज में टेस्टिंग किया जाता है, करते हैं थे टेस्टिंग। रॉ मटेरियल माइन से आता था तो भी, प्रोसेस होता था तो भी, और फाइनल जब रॉ मटेरियल ब्रिक्स बनाने के लिए तैयार होता था तो भी। तो सेम तरीका होता है ग्लास इंडस्ट्री में भी, सारे स्टेज पर अलग अलग चीज़ों को हम लोग क्वालिटी साथ ही को साथ क्वांटिटी को चेक करते हैं। विजुअल है पीपीटी? यस सर। तो इस रॉ मटेरियल को टेस्टिंग के लिए हम लोग एक सीव एनालिसिस का यूज करते हैं, जिसमें ग्लास रॉ मटेरियल को हम लोग जिसके द्वारा उसके प्रॉपर्टीज को टेस्ट कर सकते हैं। तो इस सीव एनालिसिस टेस्ट का पर्पस होता है कि हम लोग ग्लास रॉ मटेरियल के जो यूज कर रहे हैं उसके पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करना। इस डिटरमिनेशन के द्वारा ही जान सकते हैं हम लोग कितने साइज के पार्टिकल कितना क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कोर्स पार्टिकल तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, ज़्यादा फ्रैक्शन में नहीं है, या बहुत ज़्यादा फाइन्स पार्टिकल तो ज़्यादा फ्रिक्शन में नहीं है। तो ये सब जानने के लिए हम लोग सीव एनालिसिस का यूज करते हैं। इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए या इस टेस्ट का यूज हम लोग ग्लास के यूज करने वाले डिफरेंट रॉ मटेरियल जैसे कि सोडा एश, सैंड, लाइम स्टोन, अलकली, एल्युमिनियम सिलिकेट और भी जो भी ग्रानुलर्स मटेरियल हैं उनके लिए करते हैं। और ये टेस्टिंग का मेथड होता है क्या, हम लोग एक सीव का सेट लेते हैं, वो स्टैंडर्ड एज पर आईएसई स्पेसिफिकेशन या एएसटीएम स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर सीव का सेट्स होता है, जैसे जिसमें 200, 100, 50 या 400 मेस के एक पर्टिकुलर सेट्स होते हैं। उस सीव के सेट्स को लेते हैं और एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग उसको लगा देते हैं। लगाने के बाद जिस मटेरियल का हमको टेस्ट करना होता है उसका एक सर्टेन अमाउंट लेते हैं, जिसका कि वेइंग हम लोग कर लेते हैं। वेइंग करने के बाद हम लोग इसके सबसे टॉप वाले सीव में इसको चार्ज करते हैं। जब चार्ज करने के बाद क्या करते हैं, इसको पूरा सीव के सेट को हम लोग वाइब्रेशन टेबल पे ले जाते हैं, और टेबल पे ले जाने के बाद वाइब्रेशन मशीन को ऑन करने के बाद 5 से 10 मिनट तक वाइब्रेट होने देते हैं। इसके बाद हम लोग अलग अलग सीव से रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं, उसका वेट लेते हैं,
और वेट लेने के बाद हम लोग इसका वेट फ्रैक्शन निकाल देते हैं। वेट फ्रैक्शन में मान लो 200 मेस में के जो सीव है उसमें इतना ग्राम मिला, 300 के मेस में इतना ग्राम मिला, या 100 मेस के में इतना ग्राम मिला, तो क्योंकि टोटल वेट हमको पता है और उस पर्टिकुलर सीव का वेट पता है, तो वहां से हम लोग वेट फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा सीव एनालिसिस का। और सीव एनालिसिस का ये क्या एडवांटेज होता है, वो तो हम जान गए कि ये क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें ग्लास के जो रॉ मटेरियल होते हैं उसको सीव एनालिसिस करने की जरूरत होती है। अगला जो प्रॉपर्टीज होता है वो प्यूरिटी और कंपोजिशन। कोई भी रॉ मटेरियल का प्यूरिटीज जो है हम लोग एक्सआरएफ मेथड से यूज करते हैं। जब एक्सआरएफ मशीन्स में हम लोग रॉ मटेरियल को डालते हैं, तो उस रॉ मटेरियल में कितना अमाउंट में सैंड है, सोडा एस है, लाइम स्टोन है, डोलोमाइट है, या फेलिस्पार है, या कार्बोनेट मटेरियल्स हैं, वो हमें एनालिसिस करके दे देता है। और इसी एक्सआरएफ मेथड से हम लोग उस रॉ मटेरियल से कितना CO2 का फॉर्मेशन होगा, कितना कार्बोनेट्स है, वो कैलकुलेट करते हैं। और मेन सोर्स जो है बबल्स का, हम लोग जानते हैं कार्बोनेट CO2 होता है, और इसी के मदद से हम लोग कितना उस रॉ मटेरियल में, उस मिक्स में हमको रिफाइनिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, इसको भी हम लोग प्यूरिटी और कंपोजिशन एनालिसिस से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो जो भी अभी तक हम लोगों ने ये किया वो रॉ मटेरियल के संबंध में प्रॉपर्टीज था। अब थर्ड होता है ग्लास का डेंसिटी। कई कई बार जो है हम लोगों को ग्लास के डेंसिटी को मेजर करना पड़ता है। नॉर्मली जो थोड़ा एडवांस एप्लीकेशंस ऑफ ग्लास होते हैं, जैसे लेबोरेटरी ग्लास होते हैं, तो उस केस में हमें जो है ग्लास के डेंसिटी को मेजर करना होता है। तो ग्लास के डेंसिटी को मेजर करने के लिए जो है जनरली चार तरीके को अपनाया जाता है, चार मेथड्स हैं जिसके मदद से हम लोग ग्लास का डेंसिटी को मेजर करते हैं। पहला जो मेथड है वो वॉल्यूमेट्रिक मेथड है, सेकेंड मेथड जो है वो आर्किमिडीज मेथड है, थर्ड है पिकनोमीटर मेथड, और चौथा है फ्लोटेशन मेथड। वॉल्यूमेट्रिक मेथड में क्या करते हैं कि हम लोग ग्लास के पीस को लेते हैं और उसका डायमेंशन मेजर करते हैं। डायमेंशन मेजर करने के बाद हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और वॉल्यूम निकालने के बाद इस सैंपल का वेट लेते हैं, और वेट लेने के बाद हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मास अपॉन वॉल्यूम कर देते हैं। और ये जो वॉल्यूमेट्रिक मेथड है ये हमें एक रफ अप्रोक्सीमेशन देता है। साथ ही साथ इस मेथड का यूज हम लोग वहां कर सकते हैं जहां पर कि जो हमारा सैंपल है वो पर्टिकुलर शेप एंड साइज का है, तभी हम लोग बहुत आसानी से उसका डायमेंशन ले सकते हैं। यदि शेप अनइवन होगा तब उस केस में हम लोग इस मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है आर्किमिडीज मेथड, इस मेथड में हम लोग जो है ग्लास, इस मेथड में हम लोग जो है कि ग्लास का डेंसिटी मेजर करने के लिए इसको लिक्विड में इमर्ज करके इसका वेट लेते हैं। साथ ही साथ इस मेथड का यूज करने के लिए उस ग्लास का यूज करते हैं जहां जो लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करे। यदि लिक्विड के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर उसका डेंसिटी हम लोग इस मेथड से मेजर नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ इस मेथड में हम लोग ध्यान देते हैं कि जो लिक्विड का यूज हम लोग कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा विस्कस नहीं होना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा विस्कस होगा तब हम लोगों को वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर, जिस लिक्विड का यूज कर रहे हैं उसके अंदर, इसका वेट लेने में काफी दिक्कत हो जाएगा या करेक्ट हमें वेट नहीं मिलेगा। इस मेथड का यूज हम लोग तब करते हैं जब बॉडी रिजिड होती है, जब बॉडी हार्ड होता है। लेकिन एक डिसएडवांटेज होता है कि ग्लास के केस में, कि ग्लास जो है पानी में या लिक्विड में
फ्लो करने लगता है, तब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है आर्किमिडीज मेथड। अगला जो मेथड है वो पिकनोमीटर मेथड जो है का यूज हम लोग ग्लास के डेंसिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। पिकनोमीटर मेथड में क्या होता है कि एक पिकनोमीटर रहता है, उसका हम लोग इनिशियली वेट ले लेते हैं, फिर उसमें हम लोग ग्लास को डाल करके वेट लेते हैं। ग्लास के पीस और पिकनोमीटर का वेट एक साथ लेने के बाद उसमें जो है कि वाटर को डाल देते हैं। वाटर डालने के बाद कंप्लीटली फिल करने के बाद उसका वेट ले लेते हैं, और जब ये वेट लेने के बाद क्या करते हैं, पिकनोमीटर को हम लोग खाली कर देते हैं, और खाली करने के बाद उसमें कंप्लीटली वाटर को फिलअप करके इसका वेट लेते हैं, और एक फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसका डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो पिकनोमीटर मेथड में का भी अप्लाई हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ की जो ग्लास है वो लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं करे या लिक्विड में डिजॉल्व नहीं हो। साथ ही साथ इस मेथड का यूज वहाँ करते हैं जहाँ की सॉलिड जो है होमोजीनियस हो। यदि हेट्रोजीनियस होगा तो इस मेथड का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो ये स्टेप्स होता है पिकनोमीटर मेथड्स को करने का, कि पहले जो है हम लोग पिकनोमीटर का वेट लिए, साथ ही साथ उसमें सॉलिड को डाल करके फिर वेट लिए, फिर वाटर को ऐड करके वेट लिए, और फाइनली जो है वाटर और पिकनोमीटर के साथ वेट लिए, और फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग आसानी से इस मेथड से डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। अगला जो मेथड होता है, और पिकनोमीटर मेथड का यूज जैसे हम लोग रिफ्रैक्टरी में करते थे, सेम चीजें ग्लास के लिए अप्लाई होती है। अगला जो मेथड होता है वो फ्लोटेशन मेथड होता है, और इस मेथड में हम लोग एक अप्रोक्स डेंसिटी निकालते हैं वाटर के डेंसिटी के हिसाब से। इस मेथड में हम लोग एक अप्रोक्स मतलब एक गेस करके डेंसिटी मेजर करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज वाटर के ऊपर फ्लो करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि वाटर से डेंसिटी उस बॉडी का कम होगा, तभी वो फ्लो करेगा, अदरवाइज वो डूब जाएगा। इसी टेक्निक का यूज करके इस फ्लोटेशन मेथड्स का यूज किया जाता है कि जब हम लोग एक ग्लास के ब्लॉक को, छोटे से ब्लॉक को वाटर में सबमर्ज करते हैं, तो यदि सबमर्ज बहुत लेस होता है तो हम लोग कहते हैं कि इसका जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपेयर में जो है वो कम होगा, और यदि ग्लास का ब्लॉक हाफ सबमर्ज हो जाता है वाटर में तब हम लोग कहते हैं कि इसका जो डेंसिटी होगा वो वाटर के डेंसिटी से हाफ होगा, और यदि ग्लास जो है कंप्लीटली या होली सबमर्ज कर जाता है लेकिन उसका टॉप का सरफेस जो है वो वाटर के सरफेस से, वाटर के टॉप के सरफेस से कांटेक्ट में रहता है, तब हम लोग कहते हैं कि इसका जो डेंसिटी होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा वाटर के डेंसिटी से। तो ये चार मेथड्स हैं डेंसिटी को मेजर करने के लिए, और इसी मेथड से हम लोग ग्लास के डेंसिटी को मेजर करते हैं।